फादर वी कम इन जीसस नेम, पिता हम यीशु के नाम में आते हैं। वी थैंक यू फॉर ऑल योर ग्रेस, आपके सारे अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल दिस पीपल, ये सारे लोगों के लिए फिर से एक बार आपका आभार मानते हैं। As we are meditating your word, help us, Father. पिता जब हम आपके वचनों का मनन कर रहे हैं तब हमारी सहाय करो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Bless all who are watching, who are joined with us. और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको आशीष दो। In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Praise God. प्रभु का महिमा हो। God give us life and it's precious. परमेश्वर हमें जीवन देता है और जीवन मूल्यवान होता है। Many people just live as they wish and as they want. बहुत लोग अपनी इच्छा के अनुसार और जैसे मन कहे वैसे जीते हैं। But when Jesus Christ came, लेकिन जब यीशु मसीह आया, he came with reason. तो वह एक कारण के साथ, वजह के साथ आया। He was born with mission. एक मिशन के साथ वह पैदा हुआ था। I'm going to share 21 reasons why Jesus Christ he came on this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? उसके 21 कारण मैं बताने जा रहा हूँ। We just live without any goal and without any intention. We just live like that. हम कोई उद्देश्य के बिना या कोई लक्ष्य के बिना ही जीते रहते हैं। But Jesus Christ when he was born, लेकिन यीशु मसीह जब जन्मा, there was praise and there was joy everywhere. तो हर जगह पर महिमा होती थी और आनंद उठा था। He came and he said in Luke, we can read in Luke 19 chapter verse 10. हम लुका का सुसमाचार 19वां अध्याय 10वें वचन में पढ़ सकते हैं। He said, I just came to seek the scattered sheep. उसने कहा कि खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। I came to save the lost. और जो लोग खो गए हैं उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ। So when he came on this earth, he was living with some reason. तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो इस पृथ्वी पर कारण के साथ, वजह के साथ वह जीता था। Whenever he saw people, he was seeking the lost sheep. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह ने लोगों को देखा, तो वहाँ खोए हुए भेड़ों को वह ढूंढ रहा था। He just came to save the people from because they were astray, they were away from God. लोग भटक गए थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ही वह आया था। We just worship and we just go to church and meet God only Sunday. हम केवल रविवार को ही कलीसिया में, मंडली में जाते हैं और परमेश्वर से मिलते हैं, उसकी आराधना करते हैं। We worship only 52 days a year. एक साल में केवल 52 दिन हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। एंड सो जीसस क्राइस्ट ही केम विद रीजन, तो यीशु मसीह वजह के साथ आया। बिकॉज पीपल दे वर नॉट नोइंग द ट्रू गॉड, क्योंकि लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। केम टू सीक द लॉस्ट पीपल, यीशु मसीह खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया। दे वर लॉस्ट इन द वर्ल्ड, दे वर नॉट लिविंग विद होप एंड दे वर नॉट लिविंग विद एनी intention. वे लोग दुनिया में भटक गए थे और कोई आशा के साथ वे नहीं जीते थे, कोई उद्देश्य के साथ वे नहीं जीते थे। So Jesus Christ he said that I came to seek the people who are lost in the world. तो यीशु मसीह आया और कहा कि मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूँ कि जो लोग भटक गए हैं दुनिया में उनको खोजूं। Second reason. दूसरा कारण। Luke 5th chapter verse 22. लुका का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 32वां वचन। He said that I just came to call the people who accept that they are sinner. जो लोग अपने आप को पापी मानते हैं, स्वीकार लेते हैं, केवल ऐसे लोगों को मैं बुलाने के लिए आया हूँ। We don't accept that we are sinner or we are criminal. हम गुनेगार हैं या पापी हैं, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। Jesus Christ said that I didn't came to call and go, I'm not preaching to the people who are righteous. जो लोग अच्छे हैं, धर्मी हैं, उनके लिए मैं नहीं आया, मैं उनको प्रचार नहीं कर रहा हूँ। But I came to call the sinner so that they can be saved. लेकिन मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ ताकि वे बच जाएं, ऐसा यीशु ने कहा। So Jesus Christ was seeking the people who
accept and who understand that they are in fault. तो जो लोग ऐसा स्वीकार करें और समझ ले कि उन्होंने गलती की है, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, बुलाने के लिए यीशु मसीह आया। He said, I came to call the sinner. यीशु ने need salvation. यीशु ने कहा कि जिनको उद्धार की जरूरत है, ऐसे पापियों को बुलाने के लिए मैं आया। And if we call ourselves and we understand that we are sinner, और यदि हम समझे और अपने आप को कहे कि हम पापी हैं, then Jesus Christ is seeking still today to the sinner people. तो आज भी यीशु मसीह ऐसे पापियों को ढूंढ रहा है। He came to call the sinner so that they can reach in heaven, they come in heaven. यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए, ढूंढने के लिए आया ताकि पापी लोग स्वर्ग तक पहुंच सके, स्वर्ग में प्रवेश कर सके। Jesus knows the heart, every heart he knows. यीशु मसीह हर एक का हृदय जानता है। And if you humble, you are humble person and you are accepting that you are sinner. और यदि आप नम्र व्यक्ति हो और आप पापी हो, ऐसा आप स्वीकार करते हो, He knows you and he will save you. तो वह आपको जानता है और वह आपको बचाएगा। For he came to call the sinner so that they can repent. तो क्योंकि यीशु पापियों को बुलाने के लिए आया क्योंकि वे पछतावा करें। Third reason why Jesus Christ was born. यीशु मसीह क्यों जन्मा, उसका तीसरा कारण। In Jeremiah, it was prophecy 61 chapter and we can read even in Luke 4 chapter was 18. यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय और लुका का सुसमाचार फोर्थ चैप्टर और चौथा अध्याय 18वां वचन हम पढ़ सकते हैं। Jesus Christ, when he was on the earth, he went in synagogue, he went in the temple. यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तब वे सभा स्थान में, मंदिर में गए। And he said that God's spirit is upon me, Lord's spirit is upon me. और यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। He has anointed me. उसने मेरा अभिषेक किया है। So that I can go and give good news. ताकि मैं जाकर सुसमाचार दूं। And bind up the brokenhearted people. और जो लोग टूट गए हैं, ऐसे लोगों को मैं जोड़ूं। And proclaim freedom for the captives. और जो बंधुए हैं, उनके लिए छुटकारा जाहिर करूं। And release from darkness for the prisoners. और अंधेरे अंधियारे में जो लोग हैं, उन्हें छुड़ाऊं, बंधुए जो हैं, उनको छुड़ा लूं। So Jesus said that I came to say to give the good news to the people. तो यीशु ने कहा कि मैं लोगों को शुभ संदेश देने के लिए आया हूँ। Those who are broken-hearted people. जो लोग टूटे हुए दिल के हैं। If you say I am broken-hearted and I am crying. यदि आप कहो कि मैं घायल टूटा हुआ आदमी हूँ और मैं रो रहा हूँ। Then Jesus is just came for you. तो फिर यीशु आपके लिए आया है। To give you good news. आपको शुभ संदेश देने के लिए। So from heaven he came down just with this reason. तो स्वर्ग से यीशु केवल यही कारण के लिए नीचे आया। Why we are born, we don't know. हम क्यों जन्मे हैं, हमें नहीं पता। We just earn and we just spend and we just live and die. हम केवल कमाते हैं और उड़ाते हैं और जीते हैं और मर जाते हैं। Eat, go and sleep and next day. खाना खाओ, जाओ, सो और फिर दूसरा दिन होता है। We are just living without reason. हम बिना वजह जी रहे हैं। But Jesus Christ, when he spent on life on this earth, लेकिन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब अपना जीवन बिताया, he did ministry for 3.5 years. तो उसने 3.5 साल तक सेवकाई की। And just he lived for this reason. और केवल यही कारणों के लिए यीशु जिया। Whenever he went in synagogue, he healed the people. जब भी वह सभास्थान में गया, तब लोगों को चंगाई दी। He went and said good news for you people. और जाकर लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए सुसमाचार है। When we go to the people, we don't give good news. बहुत बार जब हम लोगों के पास जाते हैं तो शुभ संदेश नहीं सुनाते हैं। We give them bad news. हम उन्हें खराब समाचार सुनाते हैं। We break the heart of people. हम लोगों के हृदयों को तोड़ देते हैं। We just say, you didn't got job. हम जाकर कहते हैं तुम्हें तो नौकरी नहीं मिली। You failed to die this year. और यह साल तुम नापास हो गए परीक्षा में। Still you are living in a rent house. और अब तक तुम भाड़े के घर में रह रहे हो। So we don't give good news to people. तो ऐसा कहकर हम लोगों को शुभ संदेश नहीं देते हैं। But wherever Jesus Christ went, लेकिन यीशु मसीह जहां कहीं भी गया, he gave good news because he was anointed with Holy Spirit. उसने सुसमाचार दिया क्योंकि पवित्र आत्मा से वह अभिषेक हुआ था। Fourth reason he was born
with this reason. और एक चौथा कारण कि जो यीशु इस पृथ्वी पर जन्मा था. When Jesus Christ took baptism, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, John the baptizer, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, when he saw Jesus Christ coming, यीशु मसीह को आते हुए देखकर यूहन्ना ने कहा, Look, this is the Lamb of God. God has sent him. देखो यह परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर ने उसे भेजा है. He came to take away your sin. आपके पापों को उठा लेने के लिए वह आया है. And John 10 and verse 15, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 15वां वचन. Jesus said that I came down from heaven just to lay my life for the sheep. यीशु ने कहा कि अपने भेड़ों के लिए मेरी जान देने के लिए मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर. So he came just to die for the people. तो यीशु केवल लोगों के लिए मरने के लिए आया. We don't die for people. हम लोगों के लिए मरते नहीं. We kill the people. हम लोगों को मार देते हैं. When Jesus Christ, when he came, he was the Lamb of God. लेकिन यीशु मसीह जब आया तो वह परमेश्वर का मेमना था. Fifth reason. पांचवा कारण. He came to heal the people who were sick. जो लोग बीमार थे उनको चंगा करने के लिए यीशु आया. And oppressed with devil. और शैतान से जो पीड़ित थे. Acts 10 and verse 38 says. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 38वां वचन कहता है. Jesus was doing good everywhere wherever he went. यीशु मसीह जहां कहीं भी गया वहां वह भलाई करता रहा. God has appointed him. Anointed him with Holy Spirit. परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था. So that he can go and heal the people. ताकि वह जाकर लोगों को चंगा करे. So wherever he saw the sick people, he went for prayer and he healed them. तो जहां कहीं भी यीशु ने बीमार लोगों को देखा वह गया और उनके लिए चंगाई की प्रार्थना की. So he was anointed to heal the people. तो लोगों को चंगाई देने के लिए यीशु अभिषिक्त था. So Jesus Christ, he came from heaven to heal the people. तो यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया लोगों को चंगाई देने के लिए. Sixth reason why he was born. यीशु मसीह क्यों जन्मा उसका छठा कारण. In John 18 chapter verse 14. यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय 14वां वचन. Jesus Christ was arrested and he was at Caiaphas. यीशु मसीह before Caiaphas. यीशु मसीह को पकड़ा गया और काइफा के सम्मुख लाया गया. And this was a priest. He said that it's better that one man die for the people. और यह काइफा तो याजक था. उसने कहा कि एक आदमी सबके लिए मरे यह बेहतर है. He just came to pay the penalty for our sin. हमारे पापों के लिए कीमत चुकाने के लिए वह आया है. When we sin, we just fast. जब हम पाप करते हैं तो हम केवल उपवास करते हैं. We cry. हम रोते हैं. We pray. हम प्रार्थना करते हैं. Whenever you fail, what you do? जब भी आप नापास होते हो आप क्या करते हो? If you repent, will you be pass? क्या आप पछतावा कर लो, प्रायश्चित करो तो क्या आप पास हो जाओगे? If you do fasting for 40 days and 40 nights, यदि आप 40 दिन और 40 रात के लिए उपवास करो, your result will be changed. तो क्या आपका परिणाम बदल जाएगा? Many times we think that I did wrong and if I repent, it will all be okay. बहुत बार हम सोचते हैं कि मैंने गलत किया है और यदि मैं प्रायश्चित कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा. Bible says in Romans 6 and verse 23 that everyone who sin, they have to pay for the sin. बाइबल कहता है रोमियो का पत्र 6वां अध्याय 23वां वचन, जो कोई भी पाप करता है उसे पाप की कीमत चुकानी पड़ती है. The wages of sin is death. और पाप की मजदूरी, पाप की कीमत मृत्यु है. But through Jesus Christ we can get eternal life. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सनातन जीवन पा सकते हैं. Just keep on listening, please. केवल सुनते रहो, मेहरबानी करके सुनते रहो. Romans 8 chapter verse 1. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 1वां वचन. If you believe in Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करो, then there is no condemnation for you. तो आपके ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं होती. Because Jesus Christ has paid penalty for your sin. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए कीमत चुकाई है. Nothing to now give. अब कुछ देने की आवश्यकता नहीं. Nothing to do anymore. अब कुछ करने की जरूरत नहीं. If you are a sinner, यदि आप पापी हो तो, then you have to do nothing. तो आपको कुछ भी नहीं करना है. For your crime, for your sin, Jesus Christ has paid the price. आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है. Even if you repent, it's okay.
यदि आप पछतावा करो तो ओके ठीक है, एंड इफ यू डोंट रिपेंट एंड फास्ट इट्स ओके, और यदि आप पछतावा ना करो, उपवास ना करो तो भी चलेगा, बिकॉज़ द प्राइस, बिकॉज़ द पेनल्टी इज ऑलरेडी बीन पेड फॉर योर सिन, क्योंकि आपके पापों के लिए कीमत पहले से चुकाई गई है. So if you believe in Jesus Christ, there is no condemnation. तो यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती. So when Jesus Christ came, just he came to give, to pay the penalty what you did wrong. तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो आपने जो भी गलत किया है उसकी कीमत चुकाने के लिए आया. And he died on the cross. और वह क्रूस पर मरा. Seventh reason. सातवां कारण. John 3 chapter 17. योहन्ना का सुसमाचार तीसरा अध्याय 17वां वचन. Jesus Christ said, I didn't came to blame the people. यीशु मसीह ने कहा कि लोगों पर दोष लगाने के लिए मैं नहीं आया. Not to condemn the world. संसार को दोषी ठहराने के लिए मैं नहीं आया. But I came to save the people. लेकिन लोगों को बचाने के लिए मैं आया. In Galatians 4 chapter verse 4. और गलाती का पत्र चौथा अध्याय चौथा वचन. When the time, perfect time came. जब संपूर्ण समय आया. God sent His Son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. Who was born under law. जो नियम के अधीन जन्मा. He just was born under law to redeem us from who were in the under the law. व्यवस्था के अधीन यीशु जन्मा इसीलिए कि जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनको छुड़ा ले. In the Old Testament, people have to follow all the rituals, all the law. They have to keep all the laws. पुराने नियम में लोगों को सारे नियम और सारे क्रियाकांड करने पड़ते थे. You might have heard about circumcision. आप सबने शायद सुन्नत के बारे में, खतना के बारे में सुना होगा. In the Old Testament, there was law. If you don't do circumcision, you cannot be God people. पुराने नियम में यह नियम था कि यदि आप सुन्नत ना करो तो आप परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते. So the people of Old Testament, they were obeying all that rituals, all that law and keeping all the law. तो पुराने नियम के लोग वह पुराने नियम के सारे नियम उसका पालन करते थे. And they were under the law. और वे नियम के अधीन थे. And so Jesus Christ came and was born under the law. तो यीशु मसीह भी उसी तरह आया, नियम के अधीन जन्मा. So that in Romans 8:4 says the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us. ताकि रोमियो का पत्र आठवां अध्याय चौथा वचन कहता है, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं उनमें पूरी हो जाए. So Jesus Christ he came so that he can set you free from that old rituals, all that law. तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वह आपको वह पुराने नियम के क्रियाकांडों से और आज्ञाओं से छुड़ा ले. He can make you set, he set you free from that law. वह आपको उस नियम से स्वतंत्र कर दे. Now if we are Christian, we don't follow Old Testament laws. और यदि अब हम ईसाई हैं, तो हम पुराने नियम के नियमों को नहीं मानते. Still is in Israel, they keep Sabbath. आज भी इज़राइल में लोग विश्राम दिन का पालन करते हैं. Sabbath, that was the seventh day. सब्बत जो है विश्राम दिन है वह सातवां दिन है. That was Saturday. वह शनिवार है. And from evening to next evening, they don't do anything. और सांझ के समय से दूसरे दिन की सांझ तक वे लोग कुछ काम नहीं करते. So they have to buy slave from India. इसीलिए उनको भारत देश में से गुलाम खरीदने पड़ते हैं. And we know the salary of, we know the salary. हमारे लोग जो इज़राइल में जाते हैं उनका पगार कितना होता है हमें पता है, 80 से 1 लाख रुपया. Because those people, they don't do anything on that Sabbath day. क्योंकि इज़राइल में ऐसे लोग हैं जो विश्राम दिन पर कुछ भी नहीं करते. But they were, Jesus Christ came to set them free from that who were under the law. लेकिन यीशु मसीह उसमें से उनको छुड़ाने के लिए आया, जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनमें से छुड़ाने के लिए. Eighth reason why Jesus Christ came. यीशु मसीह क्यों आया उसका आठवां कारण. John 1 chapter 7. योहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय सातवां वचन. He said, I came to give witness about the truth, about life, about light. यीशु ने कहा कि मैं सत्य और उजियाला और उसके लिए मैं गवाही देने के लिए आया हूँ. I came to witness about the light. उजियाले के बारे में गवाही देने के लिए मैं आया हूँ.
that people might believe that light. ताकि लोग उस प्रकाश में विश्वास करें. John was not the light. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो वह प्रकाश नहीं था. He came to testify about the light. लेकिन वह प्रकाश के बारे में गवाही देने के लिए आया. And the true light that is Jesus Christ. और जो सच्चा प्रकाश जो यीशु मसीह है. He came. वह आया. He came into the world to enlighten the people. वह संसार में आया ताकि लोगों को प्रकाश दे. Jesus Christ came to give light to the people. लोगों को प्रकाश देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया. What is light? प्रकाश क्या है? The truth. वह सत्य है. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. Whatever we believe is not light. हम जो कुछ भी मानते हैं वह प्रकाश नहीं है. But whatever God's word are, that are light. लेकिन परमेश्वर के वचन में जो है वह प्रकाश है. Whatever we understand, that is not right. हम जो कुछ भी समझते हैं वह सही या सच नहीं है. Whatever God says, that is right. लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वह सही है. God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of Son, His Son. परमेश्वर ने हमें अंधकार के नियमों से छुड़ा लिया और अपने पुत्र के राज्य में ला दिया है. So Jesus Christ came just to bring us into light. तो यीशु मसीह आया केवल हमें उजियाले में लाने के लिए. And so he said to his disciple, till you have light, believe in it. तो इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम्हारे पास प्रकाश है उसमें विश्वास करो. When you are in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हो, you can understand everything that you cannot understand outside Jesus Christ. वह सारी बातों को आप समझ सकते हो जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हो, लेकिन यीशु मसीह से दूर होते हो तो नहीं समझ सकते. Because Jesus Christ is the light. क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश है. When we listen garba tune, जब हम गरबा का संगीत सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, what we do? तो हम क्या करते हैं? We just little dance. तो हम भी थोड़ा-थोड़ा डांस करने लगते हैं. When there's DJ, we will hear DJ voice. और जब हमें कोई DJ का आवाज सुनाई देता है, what we do? तो हम क्या करते हैं? We just move ourselves. तो हम भी अपने आप को हिलाने लगते हैं. Same way when you are in presence of Jesus Christ, उसी तरह जब आप यीशु मसीह की उपस्थिति में होते हो, you get understanding, you get wisdom. तब आप समझदारी पाते हो, ज्ञान पाते हो. You come in the light. और आप प्रकाश में आते हो. So Jesus Christ came just that people receive light. तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि लोग प्रकाश पाए. Many times we say that this person is like dim light. बहुत बार हम कहते हैं कि यह व्यक्ति तो डिम लाइट के जैसा है. He don't understand on spot. वह व्यक्ति तुरंत ही नहीं समझता. After two days he understand. दो दिन के बाद उसे समझ आती है. After death we can understand. मृत्यु के बाद हम समझ सकते हैं. We don't understand right now everything. इसी समय हम सब कुछ नहीं समझते. But when we are in presence of Jesus Christ, we understand everything. लेकिन जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में होते हैं, तो सब कुछ हम समझ जाते हैं. So he came in this world so that people receive light. तो यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि लोग प्रकाश पाए. Ninth reason why he was born. यीशु मसीह क्यों जन्मा उसका नौवां कारण. John 1 chapter verse 17. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 17वां वचन. God sent Moses to give law to the people. परमेश्वर ने मूसा को भेजा लोगों को नियम देने के लिए. But Jesus Christ came to give grace to all people. लेकिन यीशु मसीह सब लोगों को कृपा देने के लिए आया. You need grace, I came for you. तुम्हें कृपा की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए आया. You need sin, you need grace. तुमने पाप किया है, तुम्हें कृपा की जरूरत है. We all know grace line. कृपा का जो ग्रेस मार्क्स, कृपा गुण जो आते हैं परीक्षा में उसे हम सब जानते हैं. रेड लाइट वी नो. और रेड लाइन और खतरे का जो चिन्ह होता है रेड लाइन व्हेन वी रिसीव दैट मार्क्स. परिणाम पत्रक में जब हमें कोई लाल लीटा मिलता है उसे हम जानते हैं. वी नीड ग्रेस. तो हमें अनुग्रह की जरूरत है. एंड इफ इट इज 15 और यदि उसमें 15 मार्क्स आते हैं. What grace we need? How much grace we need? तो फिर हमें पास. तो पास होने के लिए हमें कितनी कृपा की जरूरत रहती है? 25 और 30, 20, 20. तो 20 गुणों की हमें जरूरत रहती है पास होने के लिए.
Jesus Christ came to give us grace. यीशु मसीह हमें कृपा देने के लिए आया. And so in Acts 15 chapter verse 11, this Peter said that we know through Jesus Christ's grace we can be saved. इसीलिए प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 11वें वचन में पत्रस ने कहा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम उद्धार पाए हैं. If I want to go in heaven, I need grace because there is red line. यदि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं तो मुझे कृपा की जरूरत है क्योंकि लाल लिटा मारा हुआ है. We all are sinner. हम सब पापी हैं. We cannot reach to God. हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते. And then we say, if I stand before cross or if I stand before Jesus Christ, everything, my prayer answer. You can say like that. बहुत बार हम ऐसा मानते हैं और आप शायद कहोगे कि यदि मैं वधस्तंभ के आगे खड़ा हो जाऊं और यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा. But many prayers are not answered. You know very well know that. लेकिन आप यह भी जानते हो कि बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है. Did every prayer are answered? क्या हर एक प्रार्थना का जवाब मिला है? No, we need grace. नहीं मिला है, हमें कृपा की जरूरत है. So Jesus Christ came so that he can give grace to all people who need grace. तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि जितनों को कृपा की जरूरत है सबको वह कृपा दे. So when we come to Jesus, we should say, Lord, I need grace. तो जब भी हम यीशु मसीह के पास आए तो हमें कहना चाहिए, प्रभु मुझे अनुग्रह की जरूरत है. So he came from heaven to share the grace. तो यीशु स्वर्ग से इसीलिए आया ताकि वह कृपा बांटे. 10th reason. दसवां कारण. John 4 chapter verse 34, Jesus said that I came to do the will of my Father. योहन्ना का सुसमाचार 4:34 वचन, यीशु ने कहा कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया. I didn't came to make myself happy. मैं अपने आप को खुश करने के लिए नहीं आया. I didn't came to please myself. मैं अपने आप को खुश करने के लिए नहीं आया. When whatever we wish or we desire doesn't happen, we are upset. बहुत बार हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो इच्छा होती है ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं. But Jesus Christ, whatever he did the will of God. लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया. Jesus Christ came to please God. यीशु मसीह परमेश्वर को खुश करने के लिए आया. Can we sit more 5-10 minutes? क्या हम और अधिक 5-10 मिनट बैठ नहीं सकते? Can we sit? क्या हम बैठ सकते हैं? Yes, God. परमेश्वर का महिमा हो. So Jesus Christ, when he was born, he was living with mission. तो यीशु मसीह जब जन्मा तो वह मिशन के साथ जी रहा था. If you want to overcome anything, you have to live with mission. यदि आप कोई भी बात पर जीत पाना चाहते हो तो आपको कोई भी मिशन में विश्वास लगाना पड़ेगा. Dedication is must. आपका समर्पण बहुत जरूरी है. John 4 chapter verse 35-34. यूहन्ना का सुसमाचार 4:34 Jesus said, my food is to do the will of the one who has sent me. यीशु ने कहा, मेरा भोजन तो यह है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरी करूं. And if I do the will of God, I am fed. और यदि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हूं तो मेरा भोजन हो जाता है. John in Hebrew it's written 10 chapter verse 5 that oh God, you have not asked for sacrifice and offering. इब्रानियों का पत्र 10:5 वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, तूने बलिदान और भेंट नहीं चाही है. You are not desired. तूने यह इच्छा नहीं रखी. And I came to do your will. और मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए. So God want the people, that person who can do the will of God. तो जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर मांगता है. Might I be think that if I do this or I offer this, God will be pleased. बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा करूं या ऐसा बलिदान दूं तो परमेश्वर खुश हो जाएगा. If I donate this much money or I fast for this much day, God will be pleased. यदि मैं इतने सारे पैसा दान में दे दूं या इतने सारे दिन उपवास कर लूं तो परमेश्वर खुश, ऐसा हम सोचते हैं. But Jesus Christ when he came, he said. लेकिन यीशु मसीह जब आया तब उसने कहा, Father, I came to do your will. पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. Many time, every time we do our will.
हर बार हम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं. This is not like I don't like to marry with this person. I don't like that person. मुझे इस व्यक्ति के साथ शादी करना अच्छा नहीं लगता. वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं. She is not looking beautiful. वह तो अच्छी नहीं दिखती है. I like this and this type of person. मुझे तो इस तरह से दिखने वाली या दिखने वाला व्यक्ति चाहिए. Every time we demand and we seek as a we desire. हर बार हम ऐसी मांग करते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार मांग करते हैं, ढूंढते हैं. If God say that how you want to die, what you will say? यदि परमेश्वर ऐसा कहे कि तुम कैसे मरना चाहते हो, तो क्या जवाब दोगे? How you want to die? तुम कैसे मरना चाहते हो? Every time we desire, now God is asking, how you want to die? हर बार हमारी इच्छा को हम रख देते हैं, तो अब परमेश्वर हमें पूछ रहा है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? Everyone have to die. हर एक को मरना है. Now Jesus Christ, when he heard that I came to do the will of my Father. जब यीशु मसीह ने सुना कि मैं परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ. I came to do the will of my Father. मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ. Oh Father, how you want that I die? तो हे पिता, तू क्या चाहता है कि मैं कैसे मरूँ? And every time he said that, if you want to follow me, take up your cross and follow me. और हर बार यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो अपना वधस्तंभ उठाओ और मेरे पीछे आओ. Before going on cross, he confessed that there is crucifixion. वधस्तंभ पर जाने से पहले यीशु ने कबूल किया कि वधस्तंभ पर मरना है. And I am going to die on cross. और मैं क्रूस पर मरूंगा. That was deadly death. और वह बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु था. He came to do the will of Father. वह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया. 11th point. 11वां मुद्दा. I will say this is 11th reason why Jesus came. और मैं कहूंगा कि यीशु क्यों पृथ्वी पर आया, उसका यह 11वां कारण है. John 9 chapter verse 39. योहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय 39वां वचन. I came into this world to judge it. मैं इस संसार में आया हूं ताकि उसका न्याय करूं. Those who say that I can see. जो लोग कहते हैं कि मैं देख सकता हूं. I came to make them blind. मैं उनको अंधा करने के लिए आया. And those who say that I cannot see. Who are blind. और जो लोग अंधे होते हैं. I came to make them give them sight. मैं उन्हें दृष्टि देने के लिए आया हूं. So Jesus Christ came to judge the ruler of this world. तो यीशु मसीह इस पृथ्वी के अधिकारियों का न्याय करने के लिए आया. We know Satan rule the world. हम जानते हैं कि शैतान इस संसार पर अधिकार चलाता है. Jesus Christ came to destroy this Satan rule. यीशु मसीह इस शैतान के राज का नाश करने के लिए आया. John 16 verse 11 it says, and the judgment because the ruler of this world has been judged. योहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 11वां वचन कहता है कि संसार का न्याय हुआ है क्योंकि संसार के अधिकारी का न्याय हुआ है. Jesus Christ came to judge the one who has been killing the people. जो सारे लोगों को मार रहा है, उसका न्याय करने के लिए यीशु मसीह आया. Who is destroying the people? जो लोगों का विनाश कर रहा है. And we know that is Satan. और हम जानते हैं कि वह विनाश करने वाला तो शैतान है. And Jesus has came that I came for you to judge you. और यीशु मसीह इसीलिए आया, उसने कहा कि शैतान, मैं तेरा न्याय करने के लिए आया हूँ. And the ruler is been going to removed. और उस अधिकारी को हटा दिया जाएगा. 12th reason he was born. 12वां कारण कि यीशु क्यों जन्मा. He came from heaven and said that I am the living bread came down from heaven. यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा और कहा कि मैं जीवित रोटली हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ. Whosoever will receive this living bread will not die in sin. जो कोई भी यह जीवित रोटी का स्वीकार करेगा वह पाप में नहीं मरेगा. So he said, I am living bread from God. तो यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से जीवित रोटी हूँ. I am bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ. To give life to the people. लोगों को जीवन देने के लिए. So he came not to do his own will. तो यीशु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया. But he was put as a bread on this earth so that people receive it and eat it.
लेकिन उसे इस पृथ्वी पर रोटी बनाकर रखा गया ताकि लोग उसका शिकार करें और उसे खाएं। Bread, यदि कोई भी इस रोटी का स्वीकार ना करे, he can't receive eternal life. वह अनंत जीवन नहीं पा सकता। So God sent bread in this world. तो परमेश्वर ने इस संसार में रोटी भेजी। Whoever has received him, they have received life. जिन्होंने भी उसका स्वीकार किया उन्होंने जीवन पाया। 13 reason. तेरावा कारण। John 10:10 says, I came to give abundant life, life abundantly. योहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि मैं जीवन देने बहुतायत का जीवन देने आया। 14th reason. 14वां कारण। He said that I am born as king. I came to rule the world. मैं राजा बनकर जन्मा हूँ, इस पृथ्वी पर राज करने के लिए जन्मा हूँ। When he was brought before Pilate in John 18 chapter verse 7. जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया, योहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय 37वां वचन। And the Pilate asked, "Are you king?" और पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू राजा है? Jesus said, "I am king. To this end was I born." तब यीशु ने जवाब दिया कि मैं राजा हूँ और इसीलिए ही मैं जन्मा हूँ। So Jesus Christ was born to be king. तो राजा बनने के लिए यीशु मसीह जन्मा था। We just live as slave whole life. हम पूरा जीवन गुलाम बनकर जीते हैं। We don't rule people. हम लोगों के ऊपर राज नहीं करते। That's our humbleness. यह तो हमारी नम्रता है। But the truth is, we cannot even rule over anyone. लेकिन सत्य यह है कि हम राज करना नहीं चाहते या हम राज कर नहीं सकते किसी के ऊपर। In house we don't rule. घर में हम राज नहीं करते। John 5th chapter verse 7. योहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 37वां वचन। The Father who sent me has himself testified on my behalf. पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। You have never heard voice of Father. तुमने पिता का शब्द कभी नहीं सुना। Nor you have ever see the work he is doing. और वह जो काम करता है वह भी तुमने नहीं देखा है। Jesus said, you don't believe Father. You never have heard about him. You never talked to him. यीशु ने कहा कि तुमने पिता को कभी सुना नहीं, कभी उसके बारे में नहीं सुना, उसको कभी देखा नहीं है। Jesus said, I came to bear witness about the truth. यीशु ने कहा कि सत्य के बारे में गवाही देने के लिए मैं आया हूँ। He was born to be king. वह राजा। He was born as king. राजा के रूप में वह जन्मा था। He came to rule the world. संसार पर अधिकार चलाने के लिए यीशु आया। And whosoever has chosen him as the king, Jesus will rule over them. जितनों ने भी यीशु को अपना राजा मानकर स्वीकार किया, उनके ऊपर यीशु राज करेगा। So we should say, Jesus, you are king. You are born as king, and we accept you, your kingdom. तो हमें कहना चाहिए कि यीशु तू राजा है, राजा बनकर तू जन्मा और तेरे राज्य का हम स्वीकार करते हैं। 15th reason. 15वां कारण। Jesus, he said that I came to save those who believe me and not to condemn the world. यीशु ने कहा कि मैं जो लोग मेरा विश्वास करें उन्हें बचाने के लिए आया हूँ और दोष लगाने के लिए नहीं आया। John 15 verse 22, Jesus did so much miracle and he said that now there is no Excuse. यीशु ने कहा पृथ्वी पर आकर बहुत सारे चमत्कार किए और फिर कहा कि अब कोई बहाना नहीं रहा है। If I have not come and spoken to them, they would have not seen to answer for. योहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 22वां वचन। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते। So he came so that we Can't excuse give excuse. तो यीशु इसीलिए आया ताकि हम कोई बहाना ना बना सके। God, we don't know Jesus Christ. We cannot say like that now. परमेश्वर हम यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसा हम नहीं कह सकते। Now you cannot say that the person we never heard and we never knew the Lord why you came. अब you have no excuse. अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि प्रभु हमने तेरे बारे में कभी सुना नहीं, किसी के पास से नहीं सुना, ऐसा बहाना नहीं कह सकते। Why you came? We don't know. Sorry, Lord. प्रभु आप क्यों आए थे हम नहीं जानते, हमें माफ कर दो, ऐसा नहीं कह सकते। We know the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। Jesus Christ died and that
is love of God. यीशु मसीह मरा और यह परमेश्वर का प्रेम है. He say, I God don't love me. You can say. आप शायद कह सकते हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता. See the cross of God. परमेश्वर. Cross of Jesus Christ. यीशु मसीह का वह क्रूस देखो. You have no excuse and you cannot say lie. आप बहाना नहीं बना सकते, कोई झूठ बात नहीं कह सकते. Now there is no escape. अब कोई भागने वाली बात नहीं रही. Because Jesus Christ, he came as light and he gave witness. He was the witness of God. क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश बनकर आया और उसने परमेश्वर के बारे में गवाही दी. He did many miracle to prove himself. और अपने आप को he was from God. और वह परमेश्वर की ओर से है, ऐसी साबिती देने के लिए यीशु ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए. Now there is no excuse. We cannot say I don't know God. अब हमारे पास कोई बहाना नहीं, हम नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता. Jesus has came so that he can introduce God or he can represent God. यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वह परमेश्वर की पहचान दे सके, परमेश्वर को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सके. Matthew 16 chapter 18 Jesus said, Peter, I am going to build my church. मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां वचन, यीशु ने कहा, पत्रस, मैं मेरी मंडली बनाऊंगा. So he was born to make church. तो यीशु मंडली बनाने के लिए पैदा हुआ था. Church is it doesn't mean that there is that there should be cross and there should be a bell. कलीसिया या मंडली का, चर्च का अर्थ यह नहीं कि कोई बिल्डिंग हो और उस पर घंट लगा हो, वह नहीं. चर्च इज फैमिली ऑफ गॉड. कलीसिया का, मंडली का अर्थ है परमेश्वर का परिवार. वेयर हिज ओन पीपल दे आर लिविंग. जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर जीते हैं उसे कलीसिया. एंड अमंग देयर द हेड इज जीसस क्राइस्ट. और वह सबके बीच में, सबका मुखिया यीशु मसीह होता है. सो जीसस क्राइस्ट ही सेड दैट आई केम टू बिल्ड माय चर्च. तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरी मंडली बनाने के लिए आया. सो दैट वाज द मिशन ऑफ हिज. तो यीशु मसीह का यह मिशन था. 17th reason why he was born. यीशु मसीह क्यों जन्मा, उसका 17वां कारण. John 12 and verse 26 he said that if anyone wants to serve me he must follow me. यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय 26वां वचन, यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले. Where I am my servant will be with me. और जहां मैं रहूंगा वहां मेरे सेवक भी होंगे. And Jesus Christ even prayed that Father I want to see my people. और यीशु मसीह ने यह प्रार्थना भी की कि पिता, मैं मेरे लोगों को देखना चाहता हूँ. Who are my people? I will take them to with me. जो मेरे लोग हैं मैं उनको मेरे साथ लेना चाहता हूँ. John 17 verse 24. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 24वां वचन. Father, Jesus is praying like this. यीशु इस तरह से प्रार्थना कर रहा है कि पिता, I want those you have given me to be with me. मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी रहे. So he came on this world and was seeking his people to take them. तो यीशु इस पृथ्वी पर आया और अपने लोगों को ढूंढ रहा था ताकि उनको अपने साथ ले जाए. He came down to take his people with him. वह नीचे उतरा क्योंकि वह अपने लोगों को उसके साथ ले जाए. Praise God. प्रभु का महिमा. If you are Christ person, यदि आप मसीहा के यीशु के व्यक्ति हो, then he came to for you so that he can take you with him. तो फिर यीशु आपके लिए आया ताकि वह आपको उसके साथ ले जाए. We know John comes. John. John आता है ऐसा हम जानते हैं. When husband comes. जब पति आता है. Why he comes? तो वह क्यों आता है? To take the bride. Bride. दुल्हन को लेने के लिए वह आता है. Without bride it doesn't go back. और दूल्हा दुल्हन को लिए बिना वापस नहीं जाता. For the reason we know why he came with band baja. हम जानते हैं कि वह वर राजा बैंड बाजा लेकर क्यों आया. Not to go in another गली. वो दूसरी गली में जाने के लिए नहीं आया. Jesus Christ just came to take his people with him. यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आया. So for that he was born. तो उसी के लिए यीशु जन्मा था. 18th reason why he was born. यीशु क्यों जन्मा, उसका 18वां कारण. He came to set captives free who were not allowed to go. जो their house after death. मृत्यु के बाद जिनको अपने घर में जाने की
परवानगी नहीं थी ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु आया. After that, people they cannot move themselves, they cannot go anywhere. मृत्यु के बाद लोग अपने आप को हिला नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते. After that, they just go and sit where they what they did according to that. मृत्यु के बाद उन्होंने जो किया है उसके अनुसार कोई जगह पर जाकर बैठ जाते हैं. They don't roam here and there in any one another bodies. और वे मरे हुए लोग किसी और के शरीर में घुसकर इधर उधर नहीं भटकते. No spirit can come in me because I'm still living. कोई भी आत्मा मेरे अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अब तक मैं जीवित हूँ. I can remove that. Go, I'm living here. I can say like that. मैं उस आत्मा को भगा सकता हूँ. जाओ अभी मैं यहाँ जीवित हूँ. Jesus Christ came to release the prisoners. जो लोग कैदी थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु आया. Luke 4 chapter 18. लुका का सुसमाचार 4 अध्याय 18वां वचन. Jesus said, God sent me. यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है. To announce release to the prisoner. कि बंधुओं को छुटकारे की घोषणा करने के लिए भेजा है. Ephesians 4 and verse 8. एफएसी का पत्र 4 अध्याय 8वां वचन. जीसस क्राइस्ट ही वेंट अप टू द हाईएस्ट प्लेस विद द कैप्टिव्स. यीशु मसीह बहुत ही ऊंची जगह में गया या गुलाम लोगों को अपने साथ लेकर. एंड देयर द स्पिरिट वेयर इन प्रिजन. और जहां पर जितने आत्मा एक कैदी बनकर बैठे थे. जीसस क्राइस्ट केम टू प्रोक्लेम दैट यू आर नाउ सेट फ्री. यीशु मसीह उनके लिए आया उनको यह बताने के लिए कि अब तुम आजाद हो गए. Not just one reason to die here. यहाँ पर केवल मरने के लिए ही नहीं आए. But this was also part of his ministry. लेकिन यह लोगों को छुड़ाने का भी काम वह भी यीशु के सेवकाई का एक भाग था. 19th reason why he was born. यीशु मसीह क्यों जन्मा उसका 19वां कारण. 1 कुरिन्थियों 15 वर्स 25. पहले कुरिन्थियों का पत्र 15वां अध्याय 25वां वचन. He came to destroy death power of death. मृत्यु के सामर्थ का नाश करने के लिए यीशु आया. He must rule till God put all the messiah enemies under his feet. मसीहा के सारे दुश्मनों को अपने पांवों के तले ना लाए परमेश्वर तब तक उसे राज करना चाहिए. And the last enemy to be done away with his death. और सबसे अंतिम दुश्मन जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है. In Hebrew 2 second chapter verse 14 it says Jesus Christ became flesh and blood like us. इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 14वें वचन में ऐसा कहा है कि यीशु मसीह मांस और लहू का हमारे जैसा बना. As we are having this flesh we have our bones and blood. जैसे हमारा मांस है हमारी हड्डियां है और हमारे अंदर लहू है वैसे ही Jesus Christ became flesh. उसी तरह यीशु मसीह मांस बना. Jesus Christ was from beginning he became flesh. यीशु मसीह तो पहले से ही था लेकिन वह मांस बना. Just to destroy the power of death. मृत्यु के सामर्थ का नाश करने के लिए. Death it means separation from God. मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना. Satan came to he bring death. Satan brought death. शैतान ने मृत्यु लाया. शैतान मृत्यु लाया. And we know who sin, who disobey God, they are in death position. और हम जानते हैं कि जो पाप करे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े वे सब मर जाते हैं. Jesus Christ just came to destroy the power of death. यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि मृत्यु के सामर्थ का नाश करे. 20th reason. 20वां कारण. Jesus Christ said that I am going to die and then after I'm going to resurrect and I'm going to go to Father. यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरूंगा और उसके बाद फिर जीवित होऊंगा और फिर पिता के पास जाऊंगा. And you my disciple you will be alone. और उसके बाद मेरे चेले तुम अकेले हो जाओगे. And I don't want that you be fatherless. और मैं नहीं चाहता कि तुम अनाथ हो जाओ. And I'm going and coming back. और मैं जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ. And I'm giving you word that Holy Spirit will come. और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पवित्र आत्मा आएगा. I'm not going to forsake you like orphan. और अनाथ के जैसे मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा. I am going to pray to Father. मैं पिता से प्रार्थना करूंगा. And I'm going to send another helper. और दूसरा सहायक मैं भेजूंगा. So Jesus Christ came so that Holy Spirit can come and abide with us. तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि उसकी वजह से पवित्र आत्मा आए और हमारे साथ रहे. And so Jesus said, it is prophet
so that it's profit that I must go. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊं यह तो फायदेमंद है. Is the spirit of truth whom the world cannot receive. और वह तो सत्य का आत्मा है जिसे संसार के लोग नहीं पा सकते. So Jesus Christ came so that we can meet, we can receive Lord and we can receive Holy Spirit. तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम प्रभु को भी पा सके और पवित्र आत्मा को भी पा सके. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो. And we are now no fatherless. We are not orphan. अब से हम अनाथ नहीं हैं. 21 reason. 21वां कारण. Why he was born, he lived here. यीशु मसीह क्यों जन्मा इस पृथ्वी पर वह क्यों जिया? He was the creator. कि वह उत्पन्न करता था. And as Bible says, in the beginning he was with the world. He was with God. और जैसे बाइबल कहता है कि शुरुआत में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था. And he took form of servant. और उसने दास का रूप धारण किया. He left all the glory. उसने अपना सब महिमा छोड़ दिया. And became son of man. और मनुष्य का पुत्र बना. He died on cross. और वधस्तंभ पर मरा. But death cannot heal him. लेकिन मृत्यु उसे बांधकर नहीं रख सकती थी. He deserved glory. यीशु मसीह महिमा के योग्य है. As he said, I am life and resurrection. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन और पुनरुत्थान. And when he was raised, angel worshipped him. और जब यीशु मसीह वापस जी उठा तो स्वर्ग दूतों ने उसकी आराधना की. And whoever accepted him savior, they have been blessed with saving. They were saved. और जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानकर स्वीकार किया उनको उद्धार का आशीर्वाद मिला. This is God's will that no one perish. यह परमेश्वर की इच्छा है कि किसी का भी नाश ना हो. But everyone come to truth. लेकिन हर एक व्यक्ति सत्य के पास आए उसे जाने. So Jesus Christ, he was born so that people know Jesus Christ. तो यीशु मसीह इसीलिए जन्मा ताकि लोग यीशु मसीह को जाने. And if we know Jesus Christ, we have received eternal life. और यदि हमने यीशु मसीह को जाना है तो हमने सनातन जीवन पाया है. He came on this earth and he said, whosoever, and it was said that whosoever receive him, I will be called son of children of God. और यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो उसके बारे में कहा गया कि जो कोई भी यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे उनको परमेश्वर के संतान कहा जाएंगे. He came to serve. वह सेवा करने के लिए आया. He became servant. वह सेवक बना. And to know and to recognize servant, it's hard. और सेवक को पहचानना बहुत कठिन है. If he could come as master, we could assume that he is the lord of the world. और यदि वह मालिक बनकर आया होता तो हम शायद ऐसा सोच लेते कि इस पूरी दुनिया का मालिक और उत्पन्न करता वही है. He took form of servant. लेकिन we have to recognize him. लेकिन उसने सेवक का स्वरूप धारण किया और हमें उसे पहचानना है. He is the Lord. वह प्रभु है. He came so that our eyes be open. वह इसीलिए आया ताकि हमारी आंखें खुल जाए. He came so that we can recognize him. वह इसीलिए आया ताकि हम उसे पहचान सके. And that is all this reason he was here on the earth. और यह सारे कारणों की वजह से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था. Praise God. प्रभु का महिमा हो. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें. If he would come, then we would receive all this blessing. यदि यीशु मसीह नहीं आता तो ये सारे आशीर्वाद हम नहीं पा सकते. Jesus Christ, thank you for you came with mission. यीशु मसीह आप मिशन के साथ आए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Whatever was appointed for you and for that you were anointed, you fulfilled that. आपके लिए जो कुछ भी नियुक्त किया गया था और आपको जो बातों के लिए अभिषेक किया गया था सारी बातें आपने पूरी की. Lord, why you brought here? Open our eyes. प्रभु आपने हमें यहाँ क्यों लाया है हमारी आंखें खोलो. And why you have said all this thing? Make us understand. और प्रभु आपने सारी बातें क्यों कही हमें समझाओ. Give us reason to live on this earth. इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमारा वजह हमारा कारण क्या है हमें बताओ. We pray Holy Spirit bless all the people.
हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा सब लोगों को आशीष दो. Be with them. उनके साथ रहो. Tonight talk with them. आज रात उनके साथ बात करो. Whoever receive Jesus Christ as their Lord. जो कोई भी यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर स्वीकार करे. Bless them with truth. Bless them with life. उनको सत्य से आशीष दो और जीवन देकर आशीष दो. If they are accepting you, Lord. प्रभु यदि वे आपका स्वीकार करते हैं. Give them experience of new life. तो उनको नए जीवन का अनुभव दो. Holy Spirit be with them. पवित्र आत्मा उनके साथ रहो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Let's continue praying while we're taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें. Our Father who art in heaven. ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो. Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए. Thy kingdom come. आपका राज्य आए. Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें. And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो. And forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया. And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ. But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ. For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है. Thy is power. पराक्रम आपका है. Thy is glory. महिमा आपका है. For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Praise Lord. प्रभु का महिमा हो. Thank you. God bless you all. आपका धन्यवाद. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आभार तमे सांभळ्यो माटे अने फरी कुटुंबना आ तरफ कुटुंब माटे आभार मानू छू. અને આમંદ આપ્યું અને તમે સાંભળ્યા માટે ધન્યવાદ માટે પ્રસ્તુત થાઓ. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ.